तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटा वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं बेटा हिस्ट्री सेक्शन में से, और बात करने वाले हैं हम कुछ मास मूवमेंट्स के बारे में, बात करें जन आंदोलनों के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, जो 1919 से लेकर 1947 तक चले थे। तो आइए उसमें से आज हम जो मेन जो फोर स्टार्टिंग वाले जो फोर थे उनके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले जो अपना मास मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है रोलैप एक्ट, ठीक है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, 1992-1947 में जो जितने भी जन आंदोलन हुए थे अपने यहाँ पे, मास मूवमेंट्स हुए थे, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रोलैप एक्ट। तो क्या हुआ कि रोलैप एक्ट की बात करें अपन, तो उस टाइम पे कब आता है, 1919 की बात है ये घटना बेटा, 19 मार्च 1919 की ये घटना है, ठीक है। तो इसके बारे इससे पहले की थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ था बेटा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था अपने यहाँ पर, तो अंग्रेजों ने हमसे कई वादे किए थे कि भाई ये जब इसमें क्या था भाई, इंग्लैंड भी भाग रह रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो उसने अपने यहाँ से सैनिक सहायता ली थी, अपने यहाँ के सैनिक भी गए थे लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो आपने हमारी सहायता की है उसके बदले में हम आपको बहुत सी सहूलियतें, बहुत सी रियायतें प्रदान करेंगे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ बेटा, तो जो हमने अपेक्षाएं कर रखी थी उनसे, वो अपेक्षा उन्होंने कभी पूरी नहीं की, यानी ऑल इन वैन, सब फालतू में गया, ठीक है। तो पब्लिक के अंदर आक्रोश फूट पड़ा। तो उसी आक्रोश को देखते हुए कि पब्लिक को थोड़ी शांति देने के लिए, तो क्या हुआ कि सर सिडनी रोलैंड, क्या नाम है, सिडनी रोलैंड, सर सिडनी रोलैंड की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। और फिर उस कमेटी के लिए एक कानून बनाया गया। कब बनाया गया, वो 19 मार्च 1919 को एक कानून बनाया गया बेटा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो ये कानून कब पारित हुआ था, रोलैंड एक्ट वाज पास्ड ऑन 19 मार्च 1919, पहली चीज क्लियर आपकी। चलिए दूसरे पे चलते हैं। अब ये लोग इसके अंतर्गत क्या था कि एनी पर्सन कुड बी सेंट इनटू द जेल ऑन द ओनली द बेसिस ऑफ सस्पेंशन, कहता है कि इस कानून के आधार पर क्या किया गया कि अगर पुलिस को शक हो जाए जरा सा भी, मतलब पुलिस के अधिकारों को बढ़ा दिया गया और आम नागरिक के अधिकारों को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो अगर किसी पे जरा सा भी शक हो जाता है पुलिस को, तो वो उसको वहां से उठाएगी और सीधा जेल में डाल देगी, ठीक है। जेल में डालने के बाद उसके सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं, ना तो कोई वो वकील कर सकता है, ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील दी जा सकती है। तो इस कानून को कहा गया बेटा ना अपील, ना दलील, ना वकील, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, केवल संदेह के आधार पर पुलिस आपको उठा सकती है, ठीक है। द अरेस्टेड पर्सन डिड नॉट हैव द राइट ऑफ अपील, और उसको फिर जेल में डालने के बाद क्या, कौन सा अधिकार खत्म हो गया उसका, अपील, ना तो कोई वो अपील कर सकता, ठीक है। टू हायर ए लॉयर, ना कोई वकील कर सकता, और टू आर्ग्यू फॉर हिज केस, ना वो जब वकील ही नहीं करेगा तो दलील कौन देगा उसके लिए। तो ना तो अपील, ना वकील, और ना दलील, ना तो अपील, ठीक है, ना वकील और ना दलील, इस कानून को यह नाम दिया गया। सीधे सीधे शब्दों में पब्लिक परेशान हो गई इस कानून से, और इसको एक ही नाम दिया गया, कौन सा नाम, द ब्लैक लॉ, इसको बोला गया काला कानून कहा गया बेटा इसको, कौन सा कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। तो ये तो हो गया अपना रोलैक्ट एक्ट बेटा, ठीक है। अब पब्लिक इतना परेशान हो गई ना इस रोलैक्ट एक्ट से, इतना परेशान हो गई, तो अपने पंजाब में पड़ता है अमृतसर, ठीक है। ले चलता हूं मैं आपको 1919 एक और घटना की तरफ, ठीक है। बात करेंगे बेटा अपन जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने कई हिंदी की बुकों में पढ़ा, एसएस की बुकों में भी इससे पहले पढ़ा है, तो देख लेते हैं। चलिए, तो इस रोलैक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए, इस रोलैक्ट एक्ट का, इस काले कानून का विरोध करने के लिए क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को पब्लिक इकट्ठी हुई, मीटिंग वाज कॉल्ड एट जलियांवाला बाग, कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है अमृतसर में बेटा, ठीक है। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, उसमें कई बूढ़े भी थे, कई बच्चे भी थे, कई औरतें भी थी बेटा, ठीक है। इस बात की क्या हुई, भनक लग गई, कहते हैं 20,000 पीपुल गैदर, कितने लोग इकट्ठा हुए बेटा इसमें, लगभग 20,000 लोग इसके अंदर इकट्ठा हुए, और वो मीटिंग सुन ही रहे थे, इस बात की खबर लग गई किसको, अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को एक बहुत ही क्रूर जनरल, जनरल डायर, नाम ही डायर था, ठीक है, सबको डाई कर गया, ठीक है। तो जनरल डायर वहां पहुंच जाता है, पहुंच करके वहां पर कुछ एक ही गेट हुआ कर जाता है ऐसा बताया जाता है वहां पर, और वहां पर सैनिकों को खड़ा कर दिया गया, और उसने क्या कर दिया, ऑर्डर्ड सोल्जर्स टू ओपन फायर, बोला कि डायरेक्ट इन पर गोलियां चलाओ, जब तक गोलियां खत्म ना, कार्ट्रिजेस खत्म ना हो जाए तब तक इनके ऊपर गोलियां चलाए, चलती रहनी चाहिए गोलियां इनके ऊपर, और उन्होंने पब्लिक के ऊपर गोलियां चला दी, कहते हैं लगातार उनके ऊपर गोलियां चलती रही, और चलती रही तो
चलती रही तो क्या हुआ, गोलियां, जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई लोगों पर गोली चली, कोई कई वहां पे कोई कुआं भी बताया तो उसमें कूद गई पब्लिक और कई हजारों की संख्या में लोग मारे गए। जब इस बात की खबर छपी अंग्रेजों की तरफ से, जब इस बात की खबर आई तो कितनी खबर आती है, एज पर गवर्नमेंट बोलते हैं मात्र 379 पीपल्स वर डेड, ये बोलती है कौन, अंग्रेज गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन नहीं, तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी, उसने उसने क्लेम किया, उस कमिटी ने क्लेम किया था कि 379 नहीं मरे थे यहाँ पे, यहाँ पर मरे थे 1000 पीपल्स। ठीक है, कहते हैं आज भी यहाँ की मिट्टी लाल है। ठीक है, तो ये तो था अपना जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है अपना खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ये खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था बेटा हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी मुस्लिमों के द्वारा। किसके लिए चलाया गया था, किसके ऑनर में, सम्मान में चलाया गया था? ये चलाया गया था ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन मुस्लिम्स इन ऑनर ऑफ खलीफा ऑफ इटली। इटली का, इटली के अंदर मुस्लिमों का एक धर्म गुरु बैठता है जिसको सभी सर्वमान्य होता है वो पूरे ऑल वर्ल्ड में। तो उसके कुछ जो राइट्स थे तो वहां पर भी क्या था, ये यूरोपियन कंट्रीज की वहां पर भी क्या था, कॉलोनीज बसाई हुई थी उन्होंने वहां पे, तो ये भी अत्याचार कर रहे थे। तो खलीफा क्या था, खलीफा के ऊपर बहुत बैन लगा दिया था उन्होंने, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अपने यहाँ पर भी तो अंग्रेजों ने काम करा था, तो इनको, इनकी खिलाफत करने के लिए उस खलीफा के सपोर्ट में हमारे यहाँ के इंडियन मुस्लिम ने ये ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, इस बात की खबर किसको मिलती है फिर, इस बात की खबर मिलती है बेटा गांधी जी को मिलती है। इस बात की खबर जब गांधी जी को मिलती है तो क्या होता था, गांधी जी सपोर्टेड द मूवमेंट एंड रिटर्न द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद। गांधी जी के पास एक उपाधि हुई थी केसर ए हिंद, उस उपाधि को लौटा दिया था। और यही खत्म नहीं होता है, एक खिलाफत डे भी मनाया गया था, खलीफा डे भी मनाया गया था हिंदुस्तान में। कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। मतलब गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था, पहली बार एक जन आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ बढ़कर आगे चले थे। इसलिए खलीफा मूवमेंट जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है हमारे मूवमेंट की। ठीक है, स्टार्टिंग फेज की। ठीक है, और इसका जब अंत हुआ था कब हुआ था, तो सेवर्स की एक संधि हुई थी, तो वहां पर क्या किया था, सेवर्स की संधि के तहत 10 अगस्त 1902 को भी खिलाफत मूवमेंट उसी के सेवर्स की संधि के साथ ही अंत हो गया था। उसमें क्या हुआ था कि भाई जो खलीफा के जो लास्ट में हुआ था, जो खलीफा के जो राइट्स थे वो खत्म कर दिए थे, बैन लगा दिया था उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रूली काम नहीं किया गया था यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया खिलाफत मूवमेंट। अब आते हैं अपन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्री मार्क्स में भी पूछा जाता है, ऐसे टाइप में भी आपसे पूछ सकता है। देखिए आगे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, तो बात करते हैं पहले, हमने बात की रोलेट एक्ट की। ठीक है, लोग मारे गए, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट, इनका जो गुस्सा था पब्लिक में वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। तो गांधी जी को भी ये बात पता थी, तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं क्या था, कांग्रेस ने भी इसका फायदा उठाया और उन्होंने एक एक्ट पारित करवा कर इसको क्या किया, फिर गांधी जी ने आगे चलकर क्या किया, गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया कब, 1920 में। यानी ये मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, 1920 में। ये जो सारे पहले वाले आंदोलन है उसके गुस्से के अनुसार एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया गया यहाँ पर गांधी जी के द्वारा 1920 के अंदर। ओके, चलिए, अब गांधी जी जब यहाँ पे आते तो गांधी जी ने बोला कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे जिससे पब्लिक इकट्ठा हो जाए, इन चीजों को अनफॉलो कर दे जो इनके द्वारा चलाई जा रही है। तो आइए कौन कौन से प्रोग्राम चलवाए थे गांधी जी ने, देखते हैं जरा। पहला, बॉयकॉट गवर्नमेंट टाइटल्स। यदि किसी को सरकार ने कोई टाइटल या कोई उपाधि दी है तो उसको क्या कर दो, आप वापस दे दो। देखो यहाँ पे दिया ना गांधी जी ने केसर हिंद का टाइटल, तो बोला कि कोई भी टाइटल दिया उसको वापस कर दो। यदि आप किसी भी दरबार वगैरह में जाते हो, कोई भी किसी कोर्ट कचहरी में जाते हो, तो उसमें जाना बंद कर दो। किसी भी तरह का फेस्टिवल है उसको बंद कर दिया जाए, बॉयकॉट कर दिया जाए किसी भी फेस्टिवल का। ठीक है, बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस। जो अंग्रेजों ने स्कूल खोले हुए हैं उनमें जाना क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, बॉयकॉट कर दिया, निष्कासन कर दिया जाए, आगे दे दिए। बॉयकॉट कोर्ट, जो कोर्ट कचहरी था उसमें जाना बंद कर दिया, उसका बॉयकॉट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का उपयोग अब हम नहीं करेंगे, खत्म कर दीजिए उसको। लेजिस्लेचर, जो विधानमंडल थे, जो कोर्ट, जो उन्होंने विधानसभाएं वगैरह, विधान परिषदें बनाई हुई थी, ठीक है, उनको खत्म कर दिया जाए, उनमें नहीं जाया जाए। और क्या बोला लास्ट में, नो टैक्स पे। गांधी जी ने बोला कि अब हम अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। समझ में आया, ये तो प्रोग्राम थे बेटा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लॉन्च किए थे। चलिए, अब बोला कि इसकी जगह पे फिर हम क्या करेंगे, नई चीज क्या करनी है हमको। ये तो बॉयकॉट वाला मिस्टर हो गया, ठीक है, ये बॉयकॉट करने वाली चीजें हो गई, ना तो स्कूल कॉलेजेस में जाना है, ठीक है, ना कोई कोर्ट कचहरी में जाना है, ना कोई फेस्टिवल्स मनाने हैं अपन को, ना कोई टैक्स पे करना है। ठीक है, चलिए, अब नया काम क्या करना है, गांधी जी ने क्या बताया, तो देखिए, इन डिसिप्लिन, सबसे पहली बात है हम अनुशासन में रहेंगे, जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। ओके, अगली चीज,
एस्टेब्लिश नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हम हमारे भारत का खुद का क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, यानी अब हमारे हमारे खुद के द्वारा स्कूल हमारे तैयार किए जाएंगे, हमारे बच्चों को हम पढ़ाना सिखाएंगे अब, ठीक है। चलिए, सेटल डिस्प्यूट थ्रू पंचायत, यदि किसी में वाद विवाद हो जाता है दो व्यक्तियों के मध्य, दो से ज्यादा मध्य के बीच में, तो क्या करेंगे, उनको हम आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर सुलझाएंगे। अंग्रेज पुलिस वालों के पास नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे उनको, पंचायत के थ्रू उनको हम सॉल्व करेंगे। समझ में आया, आगे देखिए। स्वदेशी गुड्स, और क्या करेंगे, स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे, हाथ से बनी हुई चीजें, हैंडमेड चीजों का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये गांधी जी ने नए प्रोग्राम्स लॉन्च करवाए थे, क्लियर हो गया अपन को। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं देश में पहली बार भारत के अंदर लगभग 30,000 के बराबर लोग, अबाउट 30,000 पीपल्स वेंट इन टू द जेल्स ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। पहली बार लगभग इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ था जिसमें तकरीबन 30,000 लोग कहां पे गए थे, जेलों के अंदर गए थे। ओके, आगे चलते हैं। अब एक घटना की तरफ बढ़ते हैं जो इतिहास के अंदर बहुत फेमस है, गोरखपुर के अंदर पड़ती है, चोरी चोरा नामक गांव पड़ता है बेटा। तो अपन चलते हैं इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा, और अपन इसके खत्म होने का भी देखेंगे, इंसिडेंट के क्लोज होने का। चलिए, बात थी 5 फरवरी 1922 को बात थी, ठीक है। गांधी जी ने एक बात साफ साफ कह दी थी बेटा लोगों से, उन्होंने कहा था हम किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं मचाएंगे, अर्थात नॉन वायलेंटली काम करना है। तो एक बार क्या होता, गांव के अंदर कुछ लोग शांति से अपना मार्च पास्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे बहुत शांति के साथ, तो लोगों ने, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर लाठियां भांज दी, उनके ऊपर लाठियां बरसा दी। अब लोगों में क्या हुआ, गुस्सा फूट पड़ा, कई लोगों के उसमें क्या हुआ, हताहत होने की खबरें भी आई। तो क्या हुआ, तो लोग गुस्सा आ गया। अब लोग गुस्सा आया तो उन्होंने कहा, आखिर में भाई गुस्सा फूट पड़ा, तो क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, एंग्री पीपुल पुट पुलिस स्टेशन ऑन फायर एट चोरी चोरा, जो कहां पे पड़ता है, गोरखपुर में। उनको गुस्सा आ गया और उनने जाके पुलिस स्टेशन को क्या कर दी, आग लगा दी। आग लगा दी, जब आग लगा दी तो उसमें क्या हुआ, 20 20 जो 20 क्या थे, सिपाही थे, 21 सॉरी 21 सिपाही जो थे वो क्या हो गए, उनका दी एंड हो गया, वो मर गए। और प्लस एक इसमें इंस्पेक्टर भी मारा गया। गांधी जी ने क्या कहा था, हम खून खराबा नहीं करेंगे। लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे खून खराबा कर दिया। जब इस बात की खबर लगी किसको, गांधी जी को, तो वो इससे स्तब्ध रह गए, वो इससे बहुत परेशान हुए। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट गांधी जी ने क्या किया, ऑन 12 फरवरी, कब की बात है, 12 फरवरी को, ठीक है, 5 फरवरी को उन्होंने आग लगाई थी, 12 फरवरी को गांधी जी ने क्या, गांधी जी कॉल्ड दिस मूवमेंट ऑफ, इस मूवमेंट को क्या कर दिया, गांधी जी ने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये तो था अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कुछ नहीं था इसमें, स्टार्टिंग गांधी जी के द्वारा, प्रोग्राम्स कौन कौन से थे, न्यू प्रोग्राम्स की जगह कौन कौन से है, और लास्ट में एंड इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा, ठीक है। तो ये तो थे अपने चार आंदोलन, इसके बाद आने वाले आंदोलन को अपन आगे पढ़ेंगे। ओके।